हेलो गाइस, सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली का टाइम है तो आप लोग काम में लगे होंगे, हम लोग भी बड़ी सफाई वफाई में लगे हुए हैं। तो आपको मैं दिखाऊं मैंने क्या क्या किया है। फ्रेंड्स, ये है हमारा बच्चा सोनू और ये कर रहा है मेरे साथ हेल्प क्लीनिंग करने में। गाइस, घर की सफाई के लिए आज लास्ट डे है, बस आज पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद हमें मंदिर भी साफ करना है, बस लास्ट काम वही बचा है। गाइज, आप लोग भी बहुत बिजी होंगे आजकल। तो देखिए, दीपावली पे सफाई का एक बहाना है। इस बहाने से हम लोग अपने घर के सामान को पता रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या है, वरना तो चीज़ों को रख के भूल ही जाते हैं हम लोग। ये हो गई मेरे घर की क्लीनिंग, सेट भी हो गया मेरा घर। अब मैं करूंगी भगवान जी का मंदिर साफ। इसके बाद तो नहा धो के मैं अब मंदिर साफ करने वाली हूँ। ये थोड़ी सी जगह और बाकी बची है, उसे भी कर लेती हूँ। छोटी मोटी जगह रह गई हैं। जो ये मेरी मेड है जो अपने घर की कथा सुना रही है। देखिए, कोई परेशान हो, कुछ हो तो उसकी बात सुननी चाहिए। अब चाहे मेड हो चाहे कोई और हो, बेचारी अपने घरों से निकलती हैं, परेशानी में होती हैं तो कुछ कुछ बता देती हैं, तो उसको मैं सुनती जा रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। ये बनाया था मैंने DIY बॉटल से, पिछले साल बनाया था। इस पर मैंने लगाए थे स्टार। क्लीनिंग करने में ये छूट गए थे तो अब की बार थोड़ा सा और इनको चेंज करके, पहले स्टार लगाए थे, अब की बार मैं इस पर बटरफ्लाई लगा देती हूँ। थोड़ा चेंज हो जाएगा, अच्छी लगेंगी, कुछ न्यूपन आ जाएगा। तो देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये बटरफ्लाई मेरे पास पड़े ही थे, कुछ काम के भी नहीं थे। कुछ वेस्ट चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। घर में कुछ चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो जाता है। पुरानी चीज़ को भी कुछ नया बनाना मेरे को अच्छा लगता है। अब मैं भगवान का मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। सारी पोशाकें निकाल के, बिछाने के कपड़े हैं, सारा सेट निकाल के इनको सेट कर दूँगी क्लीन करके। और भगवान के लिए मैं फूल बंगला बनाऊँगी, उसमें ही बिठाऊँगी भगवान को। तो सब कुछ हटा के मैं आज भगवान के मंदिर को ही साफ़ कर रही हूँ। मुझे नई नई पोशाकें लाने का बहुत शौक़ है, मैं भगवान की बहुत पोशाक लाती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम नए कपड़े इतने ज़्यादा पहनते हैं तो भगवान के लिए भी ज़रूरी हैं। तो मंदिर तो हो गया क्लीन, अब मैं लगा लेती हूँ। फूल बंगला लगा दिया मैंने, ये सिंहासन रख दिया भगवान का, उन पर विराजमान करती हैं अपने ठाकुर जी को, गोपाल जी को। ये देखिए मेरे ठाकुर जी, लग रहे हैं ना सुंदर। और मंदिर तो साफ हो गया, लेकिन नीचे देखिए अब क्या हालत हो रही है। तो इसको भी धीरे धीरे कर लेती हूँ। मेरे भगवान के करिए अब दर्शन। अगर हमारे घर की क्लीनिंग नहीं होती है ना तो दीपावली सी लगती ही नहीं है। फ्रेंड्स, गाइस, वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़, और अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करिए। तो गाइस, मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ अच्छा सा लेके। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आपको पता तो होगा ही ना, 25 तारीख को ग्रहण है तो हम दूसरे दिन मनाएंगे गोवर्धन। देखिए आप किस किस दिन क्या क्या मनाना है। तो टेक केयर गाइज।